हेलो कहते हैं हेलो 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 बल्ब बल्ब भी बंद करवा दे। अरे अच्छा ये वाला अगर बंद हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि कैमरे में फोटो नहीं मारी जा रही। सही फोटो निकाल लीजिए भैया फोटो साफ आनी चाहिए। कहते हैं जब भी कोई कलाकार माँ की बंदा के लिए खड़ा होता है किसी भी कार्यक्रम में खड़ा हो या वो माता रानी का जागरण हो या संकीर्तन हो या कोई भी कार्यक्रम हो सर्वप्रथम माँ की वंदना करता है। कहते कलाकार अगर माँ का आह्वान न करे तो गाना तो दूर एक सब बोल नहीं सकता है। सही बात है बिल्कुल। तो ये आज की रात सचदेवा सरार्थी माता रानी को मना रहा है और कैसे मना रहा है सुनिएगा। कैसे दिखा दोगी क्योंकि तुम्ही ने दर्द दिया है माँ तुम्ही दबा दोगी। तो माँ से कहना है मैया मैया भक्त द्वारे आता है कहता माँ आप में ही तो सब कुछ है कि सकल विश्व की बेटा माता जी का आशीर्वाद लेके
इधर वाले थोड़े बढ़ा दिए, इधर की आवाज ज्यादा आ रही है, ये बढ़ा दिए थोड़े बस। कहते माँ श्रद्धा सुमन करे अर्पित, अरे श्रद्धा सुमन करे अर्पित करूं क्रंदनामा, अरे श्रद्धा सुमन करे अर्पित करूं क्रंदनामा, पीड़ा वादिनी मेरी सुनो वंदना। अरे श्रद्धा सुमन करे अर्पित करूं क्रंदनामा, कर
सकता हूँ दादाजी। न रोली न चंदन ओ दादाजी की तरफ से एक से एक पद आए हुए हैं भाई। वाह, कहते दादाजी वाकई आपने कमाल कर दिया। दादाजी वाकई आपने कमाल कर दिया, इस दुनिया में कायम एक मिसाल कर दिया। आज की रात ये माला और कुछ माल देके आपने मुझे माला माल कर दिया। न पूजा की थाली न रोली न चंदन, करो स्वीकार मैया शरारती का बलदन। अरे किए पाप जो ये बात आप आए बाहर आए मारे हमको थोड़ा सा और माला माल करने के लिए हमारे परम सद्य श्री कुलदीप मिश्र जी खखरा आप तो से एक से रुपए आए हैं। मैं बार-बार आशीर्वाद की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। किए भूल जो उनका भी खात मांगो, अरे किए भूल जो उनका मां खात मांगो, माऊ से पहले सबसे पहले माता रानी के पावन दरबार के पावन रथ को अपने माथे पर अंकित करते हुए भगवान सिद्धेश्वर स्वामी जी के श्री चरणों की रथ को बार बार प्रणाम करते हुए माथे पर अंकित करते हुए प्रणाम कर रही हूँ सृष्टि के समस्त देवी देवताओं को। एक साथ महामाई के दरबार में तमाम झांकी जो महा
महामाई के दरबार में ही सभी को एक साथ नमन वंदन कर रही हूँ। भगवान गणेश महामाई माता जगत जननी सरस्वती को प्रणाम है। प्रणाम की श्रृंखला में प्रणाम करें भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान भोलेनाथ को भी एक साथ प्रणाम कर रही हूँ। प्रणाम की श्रृंखला में सृष्टि के समस्त देवी देवताओं को प्रणाम कर रही हूँ, साथ ही स्वागत की श्रृंखला में स्वागत कर रही हूँ जो आज विशाल जवाबी भगवती जागरण का ये कार्यक्रम हो रहा है। ये एक या दो वर्ष का नहीं है, लगातार 13 वर्ष से ये कार्यक्रम चला आ रहा है और महामाई से यही प्रार्थना की है, महामाई इसी प्रकार ये कार्यक्रम सफल होता चला जाए ऐसी कामना है। स्वागत की श्रृंखला में स्वागत करने चल रही हूँ आज के जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, हमारे माननीय सम्मानीय भैया श्री अनूप कुमार गुप्ता जी, पूर्व विधायक, आपका मेरी ओर से मंच की ओर से स्वागत है और स्वागत की श्रृंखला में स्वागत करने चल रही हूँ। कार्यक्रम के संस्थापक भैया श्री हर द्वारी लाल विश्वकर्मा जी, आपका भी मंच की ओर से स्वागत है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे सम्मानी बड़े भैया भैया श्री श्रीकांत मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है मंच की ओर से, नमन कर रही हूँ आपको भी। नमन की श्रृंखला में नमन कर रही हूँ हमारे सम्मानी बड़े भैया कोषाध्यक्ष जी भैया श्री राघविंद्र गुप्ता जी, आपका भी मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत है, नमन है मेरी ओर से। नमन की श्रृंखला में नमन कर रही हूँ हमारे जो माता के दरबार के पुजारी जी हैं, सम्मानी श्री कृष्ण मिश्रा जी, कारी पाकर समिति के समस्त कार्य स्वागत कर रही हूँ, समिति के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं को और नमन कर रही हूँ अपनी ओर से इस कार्यक्रम को जो संरक्षक है भैया श्री विदुर कुमार सिंह, पूर्व प्रधान नेरी, आपका भी मेरी ओर से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। स्वागत की श्रृंखला में जो पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करेंगे हमारे बड़े भैया भैया श्री संजय भैया जी, केएस म्यूजिक, आपका भी मेरी ओर से स्वागत है, नमन कर रही हूँ आपको भी। स्वागत की श्रृंखला में स्वागत कर रही हूँ आज जो संपूर्ण रात्रि हमारा सहयोग करेंगे हमारे छोटे भैया भैया श्री सचदेवा सरारती जी, जो आप कानपुर महानगर से पधारे हैं, आपका और आपके कुशल साथियों का मेरी ओर से स्वागत है, नमन वंदन है। आराम से बेटे, शाबाश बेटा, लॉकडाउन अभी खुला है। बहुत बढ़िया आपकी असली व्यवस्था है, वास्तव में मलाई आप छुपाए हुए हैं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति अभी आप लोगों ने सुनी है बिल्कुल भैया सचदेवा के जी के द्वारा। आजकल तिवारी से बहुत मेहनत करा रहे हैं लोग। सुंदर माता रानी की वंदना, सुंदर सा गीत आप लोगों ने सुना है बिल्कुल। मेरी ओर से भी माता रानी की छोटी सी वंदना, तत्पश्चात भैया सचदेवा जी के गीत का हम बच्चों की तरफ से टूटा फूटा प्रयास जो भी माता रानी के चरणों में बन पड़ेगा देने का प्रयास करेंगे,
लेकिन जब भी कोई कलाकार खड़ा होता है तो सबसे पहले दौड़कर माता रानी के चरणों में चला जाता है, क्योंकि वास्तव में माना जाए अगर माना चाहे तो बोल नहीं सकता कोई, बोल भी नहीं सकता। तो यहाँ इतने जनता के सामने, वो भी प्रमुख जनता, सभी लोग कीर्तन के जानकार हैं, अच्छे अच्छे कार्यक्रम करवाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, इन सबके बीच में बोलना कोई साधारण बात नहीं है। अगर माना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो माता रानी के दरबार में माता रानी के पास पहुंच के माता रानी से विनती करने लगी कि हे माँ, मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ, क्योंकि जनता जनार्दन का रूप होती है। तो हे माँ, निवेदन केवल इतना है कि तू स्वयं शक्ति है, शक्ति माता है, और तेरी बिटिया शक्तिहीन है। तो हे माँ, आज के कार्यक्रम को मैं नहीं, आप स्वयं संभालें, और जब आप संभालेंगी माँ तो ये कार्यक्रम सफल नहीं बल्कि सफलता से सफलतम की ओर जाएगा। बिल्कुल बेटे, सभी से निवेदन है, बहुत कम मिलता है ऐसा देखने को कि जहां इतनी ज्यादा संख्या में माताएं बहनें उपस्थित हैं, मेरी ओर से नमन है, आपने अपना अमूल्य समय दिया, क्योंकि वास्तव में माना जाए तो शक्ति स्वरूपाएं तो स्वयं आके बैठ गई हैं, और आप हैं बड़े भैया। सम्मानी बड़े भैया, भैया श्री अशोक मिश्रा जी, अर्मिता, आपके माध्यम से 101 पत्र मुद्राएं भेंट हैं, माता भवानी सदैव आपके अंग संग रहें, ऐसी कामना है। आइए सुनिए, क्योंकि जब भी कोई कलाकार खड़ा होता है तो सबसे पहले माता रानी के चरणों में चला जाता है कि हे माँ। लेकिन ये कार्यक्रम जो सजाया गया है माता रानी के जागरण का, और हम और आप, ये संपूर्ण पूरा देश एक भीषण बीमारी से लड़ रहा है, और क्या बेटा, जिसका नाम है कोरोना। तो सबसे पहले भगवान गणेश का आवाहन करते हैं, जय हो, जो विघ्नों के हरता हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस विघ्न का हरण कीजिए, इस संकट का नाश कीजिए। चलो, भगवान गणेश जय हो, क्योंकि आप अपनी कृपा बनाए हैं और क्या, और सभी भक्त आपके दरबार में उपस्थित हैं, तो गणराज तुम्हारी महामहिमा, सुर नायक से सिर नाते रहे, तिहि लोकन के पंकज शीश नवाते रहे, तुरस रंग करें तिनी विनती, विन विघ्न ही हरि ध्याते रहे, तो नित मंगल मोद मनाते रहे,
मनमोहन के गुण का जिसने मंच पर खड़ा होना सिखाया है। यहाँ पर हमारे भैया मिश्रा जी बैठे, अशोक भैया सुनिएगा। वास्तव में मेरे जीवन में दो व्यक्तियों का विशेष महत्व है, माना जाए ये सही भी है कि मंच तक लाने में माता भवानी के साथ साथ इनका भी कम सहारा नहीं है तो कहना क्या? एक हमारे गुरुवर पंडित श्री लालचंद दीक्षित जी और दूसरे हमारे सम्मानी बड़े भैया भैया श्री देवेंद्र तिवारी जी। आप मेरे जीवन में वास्तव में जो संघर्ष किया है वो यहाँ तक लाने का पूरा पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है तो कहना है क्या? कि गुरुवर मोहिना विसारियो तुम सम्मो को ना। क्या बात? बार बार प्रणाम करें गुरुवर के चरणों में और कहना है मां क्या बेटे? नमस्तस्यै नमो नमः। माता रानी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए कहना है क्या बड़े? माता रानी का जो दरबार देखा क्या बात? सत्यदेवा भैया जी आपने कहा कि मैं गीत कोई और पढ़ना चाहता था लेकिन जब माँ का दरबार देखा तो तुरंत गीत लिखा गया है। फिर आपने पढ़ा है बहुत सुंदर गीत है। और मैंने भी जब माता रानी का दरबार देखा तो वास्तव में मैं वंदना कुछ और पढ़ना चाहती थी लेकिन जब माँ का दरबार देखा तो आइए सुनेगा माता रानी के चरणों में छोटी सी वंदना। हालांकि वंदन गीत में ध्वनि बताना आवश्यक नहीं है लेकिन कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जो किसी वंदना से कम नहीं है। क्या बात? तो गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या कि कोई पुकारे किसी नाम से आज तो कहना
मुद्राएं भेंट हैं और ये वास्तव में ये राशि नहीं है। जब माँ से पुकार की कि माता मैं हूँ नादान, तो माँ किसी न किसी रूप में आकर अपना आशीर्वाद प्रदान कर गई। तो कहना है हे माँ, ये संसार ये जो तेरा बागीचा है वो है कैसा कैसा बने ये जग दो
कुछ आशीर्वाद